देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। आज पुरनपुर के पत्रकार शादाब अली और छायाकार सोएब अहमद उर्फ फूल बाबू के खिलाफ समाचार प्रकाशित किए जाने से क्षुब्ध होकर समाचार से संबंधित प्रधान की तहरीर पर मिलीभगत के चलते उत्तर प्रदेश की कोतवाली पुरनपुर पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के मामले में अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI हरकत में आ गया है। इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत और संबंधित ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठारघात किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी इस नोटिस में 2 हफ्ते में लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पत्रकार शादाब अली ने गत 17 मई को तहसील पुरनपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गहलुईया के नवनिर्वाचित प्रधान मोहम्मद इमरान खान पुत्र हाफिज सितारुद्दीन खान द्वारा चुनाव जीतने के बाद गोक्षी कर समर्थकों और ग्रामीणों की दावत किए जाने संबंधी समाचार शीर्षक चुनाव जीतने की खुशी में समर्थक और ग्रामीणों को दावत में प्रधान ने खिलाया गोवंशीय पशु का मांस प्रकाशित किया था, जिसके संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से वर्जन भी लिया गया था। बताते चले कि संबंधित उक्त समाचार अन्य कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। अपने उत्पीड़न से परेशान पत्रकार शादाब अली ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई थी और पूरे मामले को लिखित शिकायत की गई थी। इस पर अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है। क्या नाम है? शादाब अली। तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा है, किस विषय को लेकर आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया? मैं बरेली से प्रकाशित हिंदी दैनिक आज समाचार पत्र का तहसील प्रभारी हूँ। मेरे द्वारा एक खबर छापी गई थी 17 मई 2021 को, जिसमें मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत जादोपुर गलिया के प्रधान मोहम्मद इमरान खान पुत्र हाफिज सितारुद्दीन खान ने चुनाव जीतने की खुशी में गौकसी कराने के बाद समर्थकों की और गांव वालों की दावत की थी। ये शिकायत कई मीडिया कर्मियों और नेताओं ने पोर्टल पर भी की थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से वर्जन लेने के उपरांत ये खबर 17 मई को प्रकाशित की गई थी। इस खबर से क्षुब्ध होकर संबंधित ग्राम प्रधान ने मुझ पर अनावश्यक दबाव बनाया। जब मैंने वो नहीं माना तो उसने कूटरचित तरीके से पुलिस से साठगांठ कर मेरे विरुद्ध 21 मई 2021 को एक मनगढ़ंत मुकदमा लिखा दिया, जिसमें लगाए गए सारे ही आरोप निराधार थे, जिनका कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन चूँकि मामला गौकशी का था, पुलिस को खुद को भी बचाना था, इसलिए पुलिस ने भी प्रधान का ही फेवर लिया। इस मामले में मैंने ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल में शिकायत की थी। काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था। मेरे द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी शिकायत को माना है कि पुलिस और संबंधित प्रधान ने पत्रकारिता पर कुठाराघात करने की नीयत से मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में PCI ने एक नोटिस जारी किया है, जो मुझे बीते दिन प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, DGP, पुलिस अधीक्षक, संबंधित प्रधान, गृह सचिव सभी लोगों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में उक्त संबंध में अपना वक्तव्य देने के लिए कहा गया। सैलाब ब्यूटी जॉइंट। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयरब्रश, मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स, आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।